हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज वाला क्वेश्चन, जो आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला। तो बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, लास्ट तक के क्वेश्चन आएंगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, 5000 रुपये पर 10% दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। जब भी दोस्तों ऐसा क्वेश्चन मिले अंतर वाला, तो आप कैसे सोल्व करेंगे। देखिए, इसके एक सेकेंडों में सोल्व करेंगे आप। देखो, एक फार्मूला डी इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर अपान 100 का स्क्वायर, ये होता है 2 वर्ष के लिए। ठीक है, आगे हम 3 वर्ष के लिए भी चर्चा करेंगे, तो 2 वर्ष का अगर पूछे तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो डी अपनों को ज्ञात करना है। तो डी इज इक्वल टू पी, मतलब 5000 इसमें दे रखा है, दर अपनी 10% है, तो 10 में 10 का गुणा करेंगे तो 10 × 10 हो जाएगा, यहाँ 100 × 100 हो जाएगा। 3 सिपर से 2 और 1 3 सिपर कट गई, 1 सिपर से 1 सिपर कट गई, और 5 × 50, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड में आंसर आ गया। आइए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, 12000 रुपये का 5% दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। दोस्तों अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गए हैं तो देखो 30, 40, 50, 60 कौन सा ऑप्शन सही हुआ कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों देखिए, डी इज इक्वल टू पी, पी मतलब 12000 रुपये, 5 का स्क्वायर 25/100 × 100, 2 वर्ष है इसलिए ये वाला क्वेश्चन इसका सूत्र लगेगा। देखिए, 3 सिपर 2 से 1 सिपर कट गई, 5 × 25 और 5 × 10 2 से कटे, 2 × 12 5 × 30 कितना आंसर आएगा, ये ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, ₹15000 पर 5% दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। अब यहाँ दोस्तों 3 वर्ष दे दिया, तो इसके लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे। देखिए दोस्तों, डी इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर अपन 100 का स्क्वायर, ये तो 2 वर्ष के लिए था। अब जब 3 वर्ष आ जाए तो कुछ नहीं करना दोस्तों, यहाँ पे जो 300 प्लस आर बटा 100 इतना फार्मूला और आगे बढ़ा देना है, और कुछ नहीं करना। 3 वर्ष के लिए 300 प्लस आर बटा 100, तो डी निकालेंगे अपन। देखो, पी का मतलब कितना, 15000 रुपये दे रखा है इसने, इंटू दर अपनी 5 × 5 25 हो जाएगी, बट्टा 100 हो जाएगा, इंटू 305 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 305 हो जाएगा, बट्टा 100 हो जाएगा। यहाँ 3 सिपर है तो 2 तो 1 कट गई 1 यहाँ की कट गई, और यहाँ पे 100 और होगा, है ना। तो अब 5 से काटें, 5 × 2 = 10 और 5 × 3 = 15, 25 से काटें, 25 × 4 = 100, अब कटेगा नहीं तो 3 × 5 = 15 और 3 × 3 = 9 और 2 × 4 = 8, इसमें 8 का भाग लगाएंगे तो 8 × 1 = 11, 8 × 8 = 8 और यहाँ पे 3 बचे, 8 × 4 = 32 और यहाँ पे 3 बचे, दशमलव और सिपर 8 × 3 = 24, 6 बचे और 6 × 0 है ना, और 8 × 7 = 56, यानी कि 114.37। तो ये आंसर यहाँ गलत आ गए, 114.37 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, 114.37। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए, 8000 रुपये पर 10% दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये 4 ऑप्शन आप सामने, इसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा कौन सा सही होगा। मूलधन इसका 8000 रुपये, दर 10 यानी कि 10 × 100 और ये 100 × 100 × 3 वर्ष है इसलिए दर जोड़ेंगे तो 310 हो जाएगा, बट्टा 100 हो जाएगा। अब 2 सिपर कट गई, 3 सिपर 2 और 1 सिपर कट गई और 1 बची और ये इससे कट गई,
तो बचा है कि 8 × 8 = 24, 248। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए 3 वर्ष के लिए ये फार्मूला अपन लगाए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 5% वार्षिक दर से 882 रुपये हो जाता है तो समय ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों इसमें कुछ क्वेश्चन घुमा फिरा दे रखा है, इसने मूलधन भी दे रखा और मिश्रधन भी दे रखा और दर दे रखी, तो समय ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, तो चक्रवर्ती ब्याज में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या होता है दोस्तों, ए इज इक्वल टू पी एक धन आर बट्टा 100 × t, ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। ए का मतलब मिश्रधन 882 बराबर पी का मतलब 800, एक धन आर का मतलब 5/100 × t, और ये संख्या कट जाएगी यहाँ से, यहाँ कट जाएगी तो ये 441 हो जाएगा और यहाँ 400 आएगा जो 400 इसके नीचे आ जाएगा गुणवल संख्या भाग में, और 5 से काटा 5 × 2 = 10, 20 × 21 = 20 t, और अब इसको घात बराबर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 21/20 × 2 हो जाएगी, 21/20 की यहाँ पे टी रहेगा, और जब इसका बेस और इसका बेस बराबर है तो इसकी पावर भी बराबर होगी, यानी कि टी इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। समय कितना होगा, 2 वर्ष हो जाएगा, समय कितना होगा अपना, 2 वर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो वीडियो लाइक भी करें और दोस्तों शेयर भी करते जाएं। देखिए 10,000 रुपये पर 12% दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर निकालिए। तो डी इज इक्वल टू, देखिए 10,000 × 12 = 144/100 × 100, 2 वर्ष है इसलिए यही फार्मूला लगेगा। यहाँ पे 4 सिपर है, 4 सिपर कट गए और 12 × 144, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए, देखिए अब इसमें क्वेश्चन कुछ बदला हुआ है। देखिए कोई धन 12% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 180 रुपये दे रखा। अब इसने अंतर दे रखा तो कोई धन अपनों को, मूलधन अपनों को ज्ञात करना है। अंतर क्या दे रखा था उसको, देखिए 180 रुपये तो दे रखा इसने, और पी अपनों को ज्ञात करना है, दर इसमें 12 × 12 हो जाएगी और यहाँ पे 100 × 100 हो जाएगा, ठीक है। 2 वर्ष के लिए फार्मूला लगेगा, 12 से काटें तो 12 × 12 और 6 0, 12 × 5 = 60, 3 से काटा 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 4 से काटे तो 25 बार कट जाएगा। अब जब पी का इधर गुणा होगा तो पी इज इक्वल टू इनका गुणा इधर होगा, 25 × 5 = 125 और 2 0 लग जाएगी, यानी कि 12,500। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है दोस्तों, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 25,000 रुपये पर 1 वर्ष का 20% दर से अर्धवार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। जब ब्याज की दर अर्धवार्षिक हो तब क्या होता है दोस्तों, जो आर होती है ये आर बाय टू होता है, तो 20/2 यानी कि 10% तो दर हो गई, और जो टी समय होता है ये होता है तो दुगना 2t हो जाता है, तो समय कितना 1 वर्ष × 2 = 2 वर्ष हो जाएगा, दर आधी और समय दुगना होता है। अब जिसमें 2 वर्ष हो गया इसके लिए सॉल्व करेंगे अपन, देखो अंतर निकालेंगे तो डी इज इक्वल टू पी 25,000/100 और यहाँ पे 100 हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा, है ना, 25,000 और ये 100 हो जाएगा और यहाँ पे भी 100 हो जाएगा, 2 सिपर 2 सिपर कट गई और यहाँ की 2 से 2 कट गई,
यानी कि 250 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।